अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने लिए हाफ हैंड ग्लव्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 43 स्टिचेस पहले लिए, 43 स्टिचेस हमने इसको डाले थे और 10th रो कंप्लीट करने तक एक सीधा एक उल्टा हमने बुना था। 43 स्टिच हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. अब हम 21 यहाँ से हाफ करेंगे से, और एक जो इसके बीच में रहेगा एक फंदा, उसके इस साइड से हम एक बढ़ाएंगे और इस साइड से हम दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये सिलाई पूरा हमने उल्टा बुनी है। अब हम सीधे रो से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ट्वेंटी वन एक साइड से, 21 दूसरे साइड से। थम के लिए हमें इसको फंदे बढ़ाने हैं। थम के लिए 21 यहाँ तक आ गई। अब हम ऐसे फंदे को बढ़ाएंगे, ऐसे करके इस तरह से हो गया यहाँ से। अब ये जो फंदा है बीच का, हम ऐसे ही बुनेंगे सीधा, और इसके बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे करके। अब हम ये फंदा सीधा बुनेंगे यहाँ से। कितना आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. फ्रेंड्स, 21 हमने यहाँ तक बुने हैं फिर से। अब हमें 21 के बाद फिर से एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है ऐसे करके। फिर ये जो दो फंदे हमने बढ़ाए थे ऐसे ही बुनने हैं सीधे ऐसे, और फिर से हमें यहाँ हमें सिर्फ 21 रखने हैं। उससे पहले हमें एक फंदा यहाँ से भी बढ़ाना है ऐसे करके। ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है जब तक थंब के लिए 17 फंदे बीच में आ जाए। थंब के लिए जब तक 17 फंदे बीच में आ जाए तब तक हमें कंटिन्यू ऐसे ही एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है और एक फंदा यहाँ से बढ़ाना है। 21 यहाँ से रख के, 21 यहाँ से रख के। 4th रो कंप्लीट हो गया है, एक सीधा एक उल्टा बुन के। अब हम इसको बंद करेंगे, हम देख सकते हैं ऐसे। हम इसको बंद करेंगे, सिर्फ ये 17 फंदे यहाँ तक थंब की शेप इसमें आ जाएगी। हमें थंब की शेप इसको आ गई है। थंब के लिए हमने रखे थे 17 फंदे, 17 फंदे। अब हम इसको शेप देने के लिए, बॉर्डर का शेप देने के लिए एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे 4th रो तक, एक सीधा एक उल्टा। और इसके लिए हमने धागा अलग से लिया है, अलग से। यहाँ से 21 फंदे मैंने पेंडिंग रखे हैं और यहाँ से भी 21 मैंने अलग रखे हैं। पहले हम थंब का क्लियर करेंगे। थंब की शेप इसको आ गई है। अब हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, देख सकते हैं ऐसे। जो
जब तक इसको ऐसे ही शेप में आ जाएगा। देख सकते हैं इसे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं उल्टे साइड से।